हेलो बच्चों आज इस वीडियो में हम वर्क एनर्जी पावर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मुलाज एंड प्रॉब्लम्स जस्ट 15 मिनट में डिस्कस कर लेंगे स्टार्ट करते हैं वर्क से वर्क हमें मिलता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से और इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है एफ एस कॉस थीटा वे थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर अब इस फोर्स को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आई कैप जे कैप एंड के कैप यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में दिए गए हैं तो हमें थीटा की जरूरत नहीं है हम डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लो एक यूनिफॉर्म फोर्स दिया गया है थ्री आई कैप प्लस जे कैप जो एक टू के जी पार्टिकल पर लग रहा है इस वजह से पार्टिकल इनिशियल पोजिशन टू आई कैप प्लस के कैप से डिस्प्लेस होकर फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप पोजिशन पर आ गया है वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल इज डब्ल्यू कस टू एफ वैक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वैक्टर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर होगा फाइनल पोजिशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर दे फोर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इक्वल्स टू फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप माइनस टू आई कैप प्लस के कैप यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस टू के कैप अब हम वर्क निकालने के लिए फोर्स का और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे नाउ डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत सिंपल होता है आई कैप के कॉफिशियंट्स को मल्टीप्लाई करो सिमिलरली जे कैप के कॉफिशियंट्स को मल्टीप्लाई करो एंड के कैप के कॉफिशियंट को मल्टीप्लाई करो एंड सभी रिजल्टेंट वैल्यूज को एड कर दो यहां से हमें मिलेगा वर्क इक्वल्स टू नाइन जूल वर्क कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका हम तब यूज करते हैं जब हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड दोनों के बीच का एंगल थीटा पता होता है लेट से एक फाइव न्यूटन फोर्स बॉडी को टेन मीटर डिस्प्लेस करता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल सिक्सटी डिग्री दिया गया है तो हम वर्क सिंपली एफ एस कॉस्टीटा फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं देयर फॉर वर्क इक्वल्स टू फाइव टाइम्स टेन टाइम कॉस सिक्सटी डिग्री टू ट्वेंटी फाइव जूल अगर फोर्स टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो हमें वर्क डन इंटीग्रेशन यूज करके निकालना होगा फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड ही वेरी हो रहा है डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है डेयर फोर इंटीग्रेशन फॉर्म में वर्क को लिख सकते हैं W इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स वेयर फोर्स वेक्टर एफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन एक्स वन टू फाइनल पोजिशन एक्स टू ऑन द एक्स एक्सेस एक एग्जाम्पल से समझते हैं एक टेन के जी ब्लॉक एक्स डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इस ब्लॉक पर एक रिटारो पॉइंट वन टाइम्स एक्स जूल पर मीटर एक्ट करता है फ्रॉम एक्स इक्वल टू ट्वेंटी मीटर टू थर्टी मीटर इस दौरान ब्लॉक पर यह फोर्स क्या वर्क करेगा ये बताना है एफ की वैल्यू दे रखी है जीरो पॉइंट वन एक्स इनिशियल पोजिशन एक्स वन है ट्वेंटी मीटर एंड फाइनल पोजिशन एक्स टू है थर्टी मीटर डियर फॉर वर्क को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन जीरो पॉइंट वन टाइम्स एक्स टाइम्स डी एक्स फ्रॉम इनिशियल पोजिशन ट्वेंटी मीटर टू फाइनल पोजिशन थर्टी मीटर यहां से हमें वर्क की वैल्यू मिलेगी माइनस ट्वेंटी फाइव जूल यहां नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया गया है तब भी हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वर्क होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स इंटीग्रेशन एफ डी एक्स मतलब एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लो आपको यह ग्राफ दिया गया है और पूछा गया है 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल पर क्या वर्क होगा डब्ल्यूल्स टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ यहां जीरो से थ्री मीटर तक फोर्स जीरो है देयरफॉर वर्क भी हमारा जीरो आएगा थ्री मीटर से सेवन मीटर के बीच टू न्यूटन कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है इसका एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे सिंपली एक रेक्टेंगल कंसिडर करें जिसकी एक्स एक्सिस पर लेंथ है सेवन माइनस थ्री इक्वल टू फोर मीटर एंड वाई एक्सिस पर लेंथ है टू न्यूटन इस रेक्टेंगल का एरिया दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई करके मिलेगा देअर फोर वर्क बिटवीन थ्री मीटर टू सेवन मीटर इक्वल्स टू फोर टाइम्स टू इक्वल्स टू एट ज्यूल सेवन मीटर से ट्वेल्व मीटर के बीच फोर्स टू न्यूटन से जीरो न्यूटन लीनियरली डिक्रीज हो रहा है यहां हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करना है जिसका बेस एक्स एक्सिस पर है विदेंथ टाइनस सेवन इक्वल टू फाइव मीटर एंड हाइट वाई एक्सिस पर है विद लेंथ टू न्यूटन राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ टाइम्स फाइव टाइम्स टू इक्वल्स टू फाइव जूल जीरो से ट्वेल्व मीटर के बीच टोटल वर्क होगा जीरो प्लस एट प्लस फाइव जूल इक्वल्स टू थर्टीन जूल बच्चों वैसे मोस्ट जनरल फॉर्म में वर्क डन होता है w equals to F dot dr आर आई एन आर एफ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन वैक्टर्स है एंड डी आर वैक्टर होता है चेंज इन पोजिशन वैक्टर्स इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस j जे कैप प्लस k के कैप मान लो बच्चों अगर हमें क्वेश्चन में यह फोर्स दिया गया है एफ इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस टू वाई जे कैप और इनिशियल पोजिशन वैक्टर दिया गया है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप एंड फाइनल पोजिशन वैक्टर दिया गया है इनपुट करते हैं वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस टू वाई जे कैप डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वर्क की वैल्यू मिलती है एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर यहां पर हम इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप एंड फाइनल पोजिशन वैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप लेकिन ये वैल्यूज हमें कैसे पुट करनी है बच्चों क्योंकि पोजिशन वैक्टर टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप में टू हमारा एक्स एक्सिस का कॉम्पोनेंट है एंड थ्री हमारा वाई एक्सिस का कॉम्पोनेंट है देर फोर इनिशियल एक्स एंड वाई की वैल्यूज हैं एंड 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 फाइनल एक्स वाई की वैल्यूज वैल्यूज होंगी 4 and 6. यहां से पुट करने के बाद हमें वर्क की वैल्यू मिलेगी एटी थ्री जून बच्चों आई होप अभी तक आपको अलग अलग वेज में वर्क कैलकुलेट करना समझ में आ गया है अब बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कंजर्वेटिव फोर्सेस वो हैं जिनके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क उस ऑब्जेक्ट के ट्रेवल्ड पाथ पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि उस ऑब्जेक्ट के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है यानी सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ पर ट्रेवल करे इस फोर्स का उस ऑब्जेक्ट पर वर्क हर पाथ पर सेम आएगा इससे हमें यह बात भी पता चलती है कि अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो बच्चों यानी पाथ ट्रेवल्ड एक क्लोज लूप है तो ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क जीरो आएगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स ऑन दी अदर हैंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड करता है और क्लोज लूप में इस वर्क की वैल्यू जीरो भी नहीं होती नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के एग्जाम्पल हैं फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स टेंशन फोर्स या नॉर्मल फोर्स या अगर हमने कोई फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया बच्चों अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसकी वैल्यू होती है के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे एम ऑब्जेक्ट का मास है और वी उसकी वेलोसिटी है ड्यू टू इट्स मोशन वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता चलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव द सम ऑफ ऑल दीज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू के एफ माइनस के आई के एफ हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस के आई हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है एक एग्जाम्पल से समझते हैं वन ग्राम मास की एक रेन ड्रॉप वन किलोमीटर हाइट से गिरती है ग्राउंड पर गिरने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी फिफ्टी मीटर पर सेकेंड होती है जी की वैल्यू हमेशा टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी तो बताना है वर्क वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स 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 एंड रेजिस्टिव ड्यू टू एयर होगा टाइम डिस्प्लेसमेंट है एम टाइम्स जी एंड डिस्प्लेसमेंट है हाइट इक्वल्स टू वन किलोमीटर यहां से हमें वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा टेन जूल रेजिस्टिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है देअर वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें मिलेगा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू रजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और फाइनल वेलोसिटी है फिफ्टी मीटर पर सेकेंड डेयर फोर यहां से हम बच्चों वर्क डन ड्यू टू रजिस्टिव फोर्स निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू आती है माइनस एट पॉइंट सेवन फाइव जूल अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की सबसे पहली बात पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन की जाती है एंड देयर बच्चों इट इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू वर्क डन ऑन इट बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया तो ऑब्जेक्ट को मिलेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और अगर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ने वर्क किया तो ऑब्जेक्ट को मिलेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वैसे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मल डेफिनेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट पोजिशन देर फॉर डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनी टू पोजिशन आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेज डेल्टा यू होगा स यू infinity एंड आर equals टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम जीरो एज्यूम करते हैं देयरफॉर हम लिख सकते हैं यू आर इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजिशन आर बच्चों इसे डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं फोर्स एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर अब बात करते हैं बच्चों इक्विब्रियम्स की अगर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो हम कह सकते हैं बॉडी इक्विब्रियम में है लेकिन ये तीन टाइप्स के इक्विब्रियम में हो सकती है स्टेबल इक्विब्रियम अनस्टेबल इक्विब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विब्रियम मान लो तीन बॉल्स हैं एक बॉल एक स्प्रिकल शेल के अंदर रखी है दूसरी बॉल स्प्रिकल शेल के ऊपर रखी है और थर्ड बॉल फ्लैट ग्राउंड पर रखी हुई है तीनों बॉल्स पर हम देख सकते हैं नेट फोर्सेस जीरो हैं, यानी तीनों बॉल्स इक्विब्रियम में हैं। अगर फर्स्ट बॉल को स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो वो ऊपर जाएगी बट वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी ऐसे इक्विब्रियम को स्टेबल इक्विब्रियम बोलते हैं जब बॉल को इक्विब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करने पर वो वापस उसी पोजीशन पर आ जाए सेकेंड केस में अगर बॉल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए तो बॉल नीचे गिर जाएगी और अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर वापस नहीं आएगी सच इक्विब्रियम और कॉल्ड अनस्टेबल इक्विब्रियम जब ऑब्जेक्ट अपनी करंट इक्विब्रियम पोजिशन से डिस्प्लेस होने के बाद उस पोजिशन से दूर चला जाता है और वापिस नहीं आता थर्ड केस न्यूट्रल इक्विब्रियम का है इस केस में आप बॉल को कहीं भी शिफ्ट करते जाओ वो हमेशा इक्विब्रियम में रहेगी एक नए इक्विब्रियम पोजिशन पर ना तो उसकी टेंडेंसी इक्लिब्रियम पोजिशन पर वापस आने की है ना ही दूर चले जाने की है वो जहां जाती है बस अपनी नई इक्विब्रियम पोजिशन बना लेती है बच्चों इन सभी केसेस में मैथमेटिकली अगर बात करें तो क्योंकि नेट फोर्सेस बॉडी पर जीरो है डेयर फोर एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर इक्वल टू जीरो इन ऑल द थ्री केसेस फिर चेंज किस वैल्यू में आता है डिफरेंस आता है सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन वैक्टर की वैल्यूज में स्टेबल इक्विब्रियम में डी टू यू बाई डी आर टू की वैल्यू पॉजिटिव होती है अनस्टेबल इक्विब्रियम के केस में ये वैल्यू नेगेटिव होती है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में ये वैल्यू जीरो होती है एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों यू की वैल्यू आर के टर्म्स में अगर आपको दी गई है ए एंड पे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है तो यहां से हम दो बातें बता सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम एट दिस पोजिशन इक्विलिब्रियम पोजिशन पर डी यू देयरफॉर यहां हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे आर की टर्म्स में और जीरो से इक्वेट कर देंगे और हमें आर की वैल्यू मिलेगी टू ए डिवाइडेड बाई बी सेचर ऑफ इक्विब्रियम बताने के लिए हम इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे और आर की वैल्यू टू ए डिवाइडेड बाई बी इनपुट कर देंगे यहां से हमें डी टू यू बाई डी आर टू की वैल्यू मिलेगी बी टू दावर फोर डिवाइडेड बाई एट ए क्यूब सिंस ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव वैल्यूज ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है ये इक्विब्रियम स्टेबल होगा अब बात करते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बच्चों अब हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस और वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें मिला था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज की वैल्यू रिप्लेस करने पर हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं यहां से हमें मिलेगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू के एफ प्लस यूएफ माइनस के आई प्लस यू आई काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ई से देयरफॉर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी अगर ऑब्जेक्ट पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं लग रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी कंजर्व मतलब फाइनल और इनिशियल वैल्यू सेम रहेगी बच्चों यानी ई एफ इक्वल्स टू ई आई अगर नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लग रहे हैं और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस ही बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी तब भी कंजर्व रहती है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन उनके द्वारा किया गया वर्क डन जीरो आ रहा है उस केस में भी जीरो माइनस ई आई दैट इम्प्लाइज ई एफ इक्वल टू ई आई एक एग्जाम्पल देखते हैं एक स्प्रिंग विथ फोर्स कॉन्स्टेंट टेन न्यूटन पर मीटर वॉल से अटैच्ड है और एक टू के जी के ब्लॉक को इसके अगेंस्ट टू मीटर तक पुश करके छोड़ दिया गया है पास में एक इंक्लाइन प्लेन है विद एन एंगल 30 डिग्री पूछा ये गया है कि ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पर कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सभी सर्फेसिस बच्चों यहाँ पर स्मूथ दी गई है ब्लॉक की अगर इनिशियल पोजिशन की बात करें तो इसके पास इनिशियल केवल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है एंड फाइनल पोजीशन देखें तो इसके पास केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस तब मिलेगा जब ब्लॉक की ऊपर जाने की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस पॉइंट पर केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी बच्चों ब्लॉक पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है क्या जी हाँ लग रहा है इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो क्या मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कंजर्व रहेगी बिल्कुल रहेगी क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन जीरो होगा ये पूरे टाइम ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है एंड कॉस 90 डिग्री इज जीरो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल्स टू एन टाइम एस कॉस नाइन्टी डिग्री इक्वल्स टू जीरो इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी देयर फोर ई आई इक्वल टू ई एफ इनिशियल एनर्जी है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइनल एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच एच को डी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं एच इक्वल्स टू डी साइन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू डी बाई टू गिवन वैल्यूज रखने के बाद डी की वैल्यू आएगी टू मीटर बच्चे फाइनली बात करते हैं पावर की पावर इज सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अस देअर फोर पावर पी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ वर्क डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर डी टी इक्वल्स टू एफ डॉट वी क्वल टू एफ वी कॉस्टिटा वी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ये इंस्टेंटेनियस पावर होती है एवरेज पावर होती है रेशियो ऑफ टोटल वर्क एंड टोटल टाइम एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों एक एम मास की कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सिलेट सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू पी नॉट बताना यह है कि वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी फ्रॉम डेफिनेशन वी हैव पी नॉट इक्वल टू एफ वी एफ होता है एम डीवी बाई डी टी डेर फोर पी नॉट इक्वल टू एम वी डी वी बाय डी टी और पी नॉट डी टी इक्वल टू एम वी डीवी यहाँ हम इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज रख के इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और हमें v की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों इस तरह हमने वर्क एनर्जी पावर टॉपिक जस्ट 15 मिनट्स में फिनिश कर लिया बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंजॉय लर्निंग विद फंडामेंटल